चैन सेट चेंज कराते हो ना, आज मैं आपको एक ऐसी यूनिक चीज बताने वाला हूँ चैन सेट में, जो चैन सेट आपका जो लाइफ नॉर्मल लाइफ होती है ना चैन सेट की, 6 महीने 7 महीने आप उस चैन सेट को कम से कम 1.5 साल चला सकते हो। अगर उस जाती है तो 153 और 155 से टच आपकी कर देगी नॉर्मली। बाबू मेरी गाड़ी होगी पूरी यार। ये भाई आया यूँ कह रहा है पूरी गाड़ी तुम्हारी है। मैंने नहीं भाई, ये पूरी गाड़ी मेरी नहीं है, ये पीछे वाली जो है मेरे दोस्त की है, आगे वाली जो है वो मेरे छोटे वाले भाई की है, ऊपर वाला टंकी जो है वो मेरे घर में पेट है उसका है, और ये बस पीछे वाली गाड़ी का जो हिस्सा है ना नंबर प्लेट वगैरह ये मेरा है। अभी इसमें हमने टायर डलवाया 170 mm का कॉन्टिनेंटल्स के टायर है ये, और टायर भाई ये डला है मेरा 7,500 रुपये के आसपास का। कंडीशन ख़राब हो गई है चैन सेट की, तो अभी ये चैन सेट चेंज करवाने वाले हैं बब्बू भाई के पास। सेट चेंज कराते हो ना, आज मैं आपको एक ऐसी यूनिक चीज बताने वाला हूँ चैन सेट में, जो चैन सेट आपका जो लाइफ नॉर्मल लाइफ होती है ना चैन सेट की, 6 महीने 7 महीने आप उस चैन सेट को कम से कम 1.5 साल चला सकते हो, अगर मेरे अकॉर्डिंग से अगर आप वो चैन सेट डलवाते हो ना मेरे हिसाब से। तो बस एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको चैन सेट डलवाते हुए बताऊँगा। अभी ऑर्डर करा है भैया ने और चैन सेट आ रहा है, तब मैं इसे डलवाते हुए आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमारा भाई चैन सेट लेके आ चुका है, मैं आपको चैन सेट दिखाता हूँ एक बार। भाई चैन सेट लाना, चैन सेट दिखाता हूँ कि हम जो इसका जो शोरूम से मिलता है ना ऑफिशियली जो यामाहा से मिलता है चैन सेट, वो वाला ना डलवा करके। ये अब देखो ये है, देखा चैन सेट दिखा, ये रोलन का चैन सेट आता है एक अलग से, आफ्टर मार्केट चैन सेट है, मैं इसे इंस्टॉल करवाने वाला हूँ। इसके कुछ खास बेनिफिट्स भी हैं जो मैं आपको बताऊँगा अभी, कैसा क्यों है, जो मैं कंप्रेशन डलवा करके बाहर से डलवा रहा हूँ। और चैन सेट आ गया, देखो भाई बार चैन देखो आप एक बार क्लियरली, ये चैन सेट है आपको आफ्टर मार्केट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी 1800 से 1900 के बीच में, ठीक है। आगे की जो इसकी गरारी होती है छोटी वाली, देखो जैसे इसके पैकेट पे ये गोल्डन होती है, और पीछे वाला पॉकेट जो होता है ना वो छोटा होता है। इसका एक छोटा सा प्रॉफिट मैं आपको ये बताता हूँ कि जो चैन पॉकेट होता है ना बैक साइड वाला, ये छोटा होता है, तो छोटा होने की वजह से राउंड ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक बार को इनिशियल पिकअप में ना आपको थोड़ा सा कम वो मिलेगा, लेकिन टॉप एंड जो होगा ना आपकी बाइक का, मान लो जैसे सपोज़ करते हैं हम कि 149 और 148 आपकी अप्रोक्स जाती है, तो 153 और 155 से टच आपकी कर देगी नॉर्मली। ख़त्म हो चुका भाई चैन सेट पूरा, और ये टायर भी मैंने चौड़ा वाला डलवाया तो जिसकी वजह से ये चैन सेट काम नहीं कर रहा। ये फिलहाल मैं बॉक्स खोल के आपको दिखाने जा रहा हूँ चैन सेट का, इस तरीके की कुछ इसकी पैकिंग है, इस बॉक्स के अंदर ये आता है, ठीक है। रोल ऑन, ये बॉक्स ओपन करते हैं, इसमें होगा हमारा पूरा चैन सेट, दोनों आपकी गरारी होंगे आगे पीछे की, अंदर में इस तरह की पैकिंग है, ठीक है। ये चैन है और ये इस पॉकेट है, एक बार इसे इस पॉकेट को खोलना भाई। ये इस पॉकेट है, इतना फर्क देखो इस पॉकेट में, इसकी दांते देखो पूरी नहीं है, इस तरह का ये चैन पॉकेट मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसे इसमें इंस्टॉल करवाते हैं फिर आपको बताते हैं ऑन रोड इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ये तो आपका बैक साइड का इस पॉकेट है, और चैन दिखाता हूँ मैं आपकी, मोटी मोटी चैन है इसकी, और जो आप कंपनी से परचेस करते हो ना नॉर्मल इतने स्पेस के अंदर वो होती है, और ये इसमें ना दो पॉकेट इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए होते हैं आपकी ग्रिपिंग के लिए। फर्स्ट लॉक आपका यहाँ दिया गया है एक अंदर, फिर उसके बाद एक बाहर से लॉक दिया गया है लॉक काट के लगाने के लिए। ये आगे फ्रंट की गरारी है, गोल्डन रंग में आती है ये, ये हमारा बैक व्हील निकल के आ गया हमारे आंखों के पास। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने टायर कितना चौड़ा डलवाया है, इसमें कितना वाइड टायर है, एक बार खड़ा करना भाई इसे, ये देखो भाई, ये देखो इतना चौड़ा टायर है, मतलब बाइक की जो बैक सीट है ना उससे चौड़ा ये टायर है। चलो बैक टायर, फिलहाल टायर का टॉपिक किसी और वीडियो में चेक करेंगे, अभी आपको चैन दिखाता हूँ, पुराना वाला स्पॉकेट दिखाना,
इसके ऊपर ही मैं आपको नया वाला स्पॉकेट रख के दिखाता हूँ साथ साथ। नया वाला स्पॉकेट दिखाना, इनकी दांत देखो एक बार आप कैसी हैं, और इसकी दांत देखो आप एक बार, इन दोनों में इतना डिफरेंस है देखो, बहुत बड़ा ही भी पुराने वाले से बड़ा है थोड़ा। पिकअप में बहुत मज़ा आने वाला है और बाइक में व्हील ही बहुत प्यारी लगेगी। चलो भाई इसे चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट करो। बाबू मेरी गाड़ी होगी पूरी यार। ये भाई आया यूँ कह रहा है पूरी गाड़ी तुम्हारी है। मैंने नहीं भाई, ये पूरी गाड़ी मेरी नहीं है, ये पीछे वाली जो है मेरे दोस्त की है, आगे वाली जो है वो मेरे छोटे वाले भाई की है, ऊपर वाला टंकी जो है वो मेरे घर में एक पेट है उसका है, और ये बस पीछे वाली गाड़ी का जो हिस्सा है ना नंबर प्लेट वगैरह ये मेरा है। ठीक है भाई। ये देखो भाई इतना डिफरेंस इनमें, अब मज़ा आने वाला है। अभी हम 7 मार्च को एक राइड प्लान कर रहे हैं हरिद्वार की, हरिद्वार और रुड़की, ऋषिकेश, फिर नीलकंठ, तो उसके लिए काम कराना भी ज़रूरी है। स्पेशली हमारे विजय भाई हैं, उनको तो यार छोड़ो, उनका टॉपिक भी किसी और वीडियो में। फ्रंट का स्पॉकेट है बिल्कुल खत्म हो रखा है, बिल्कुल डेड एंड है। नया वाला दिखाना एक बार, इसे देखो एक बार, और एक बार ये देखो, दोनों के देखो दांतों में कितना डिफरेंस है। जो ग्रिप होती है ना इसमें चैन अटक के चलती है, उनमें देखो आप कितना डिफरेंस है देखो। चलो फिलहाल इसे चेंज कराते हैं, इसके बाद परफॉर्मेंस देखते हैं। तो अभी एक मिनट, तो अभी ये भाई हमारा व्हील फिट कर चुके हैं, अभी इसको पर चैन लगेगी। मैं बड़ा बेताब हो रहा हूँ इस चौड़े टायर के साथ, अच्छा चैन पॉकेट पे बाइक राइड करने के लिए। तो जैसा वीडियो के थंबनेल में आपने देखा मोटे खर्चे की बात है, तो मोटे खर्चे की बात मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो के बिल्कुल एंड में। वो 2000 रुपये के आसपास इन्होंने बचवाया है मेरे को, और चैन पॉकेट भी काफ़ी मज़ेदार है। तो अभी इस वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ आप लोगों को इतना मोटा खर्चा क्या है, बस एक छोटी सी चीज़ से ही मोटा सा खर्चा बच जाएगा आप लोगों का, तो बने रहो फिलहाल वीडियो के एंड तक। Things to lose hope, and here I am still growing. I am even stronger now. तो बात थी मोटे खर्चे की चैन पॉकेट पे, तो अब मेन टॉपिक वो उस पर बात कर लेते हैं एक बार। पहले मैं आपको एक बार चैन पॉकेट पास से दिखा देता हूँ, ये देखो बड़ा है, बिगर पॉकेट है, आगे भी बड़ा पॉकेट है। चैन जो इसकी है काफ़ी मोटी चैन है, ठीक है, तो ग्रिप वगैरह को लेकर कोई दिक्कत नहीं। दाते देखो इसकी बिल्कुल ऊपर तक आ रही है। अब दूसरी चीज़ बात जो थी मोटे खर्चे की, वो मैं बताता हूँ आपका मोटा खर्चा मेरा सीधे सीधे 1200 से 1500 के आसपास था, कैसे बचा है। और ये 1200 से 1500 तो अभी बचा है, फिलहाल जब आगे जा करके इसकी लाइफ जब छोटी हो जाती है ना, जो आप शोरूम से परचेस करते हो मिलता है आपको अराउंड वही 2400-2500 रुपये के आसपास का, और पूरा लेबर वगैरह लगा करके वो आपको पड़ जाएगा 3800-3900 रुपीज़ के आसपास का, यानी 3800-3900 रुपये का। और ये आपको आफ्टर मार्केट जो रोलन का चैन पॉकेट है, ठीक है, ये दिखाता हूँ मैं, अल्फा रिंग, इसे अल्फा रिंग चैन किट कहते हैं, ठीक है, ये आपको आफ्टर मार्केट 1700-1800 में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो ऑनलाइन इसकी प्राइस जो आती है वो 2000 रुपये के आसपास आती है, लेकिन नियर बाय आप कहीं चले जाओगे ना तो आपको 1800-1900 का मिलेगा। वैसे इस पर MRP जो डली हुई है वो 2030 रुपये की डली हुई है MRP, और आपको लेकिन 1700-1800 के आसपास में मिल जाएगा किसी भी स्टोर पर। और नियर बाय अगर आप नोएडा में हो तो अगर आप आसपास से लेते हो तो नोएडा में काफ़ी सारी शॉप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं आफ्टर मार्केट, तो ये फ़ायदा पड़ गया मेरा। तो ऐसे करके मेरा जो पैसा बचा है भाई ने बचाया, तो ये मेरे को 1800 रुपये के आसपास का पड़ गया पूरा चैन सेट डलवा करके।
अभी इसकी परफॉर्मेंस कुछ रोड पे टेस्ट करेंगे। अभी फिर इसमें कल ही या परसों मैंने इसमें टायर चेंज करवाया था, 170 का इसका टायर है, 170 और कॉन्टिनेंटल का टायर है। इसका टायर का जो ऑनलाइन प्राइस है नए टायर का वो 36,000 रुपीज़ का है, लेकिन मैंने ये लिया था 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का ये टायर पड़ा है मुझे। एक बार इसकी दाई दिखाता हूँ, ये देखो इतना चौड़ा टायर है, जितनी चौड़ी इसकी पीछे की बैक लाइट और सीट है ना, उससे ज़्यादा चौड़ा टायर है। रोड पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है इसकी, ग्रिप काफ़ी अच्छी बन जाती है। अब बाइक को धुलवा लेते हैं, बाइक को धुलवा करके रेडी करवा लेते हैं। तो भाई अभी हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर फूक गया है तो बाइक तो धुलाई नहीं हो पाएगी। भाई आज की वीडियो में बस एक छोटी सी नॉलेज थी चैन स्प्रॉकेट को लेकर के, आफ्टर मार्केट से इसका चैन स्प्रॉकेट डलवाना और आराम से चलाना। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। अब डेली ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो बाइक का नाम देख लो एक बार, राम दुलारी। ये बाइक आपको बहुत जल्दी यूट्यूब पर चमकने वाली है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।